बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट मेरे पाकिस्तानी भाइयों को पता है जी, जब से सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोली गई हैं तब से लेकर अब तक मेरे पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में आ चुके हैं या अभी आने के लिए जदोजहद कर रहे हैं जी टिकट वगैरह के मामला के लिए, तो वो भाई टिकट क्या नया वीज़ा ही ख़रीद रहे हैं सऊदी अरब का। ये तो आप सब भाइयों को पता ही होगा, टिकटों के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे और अभी भी चल रहे हैं। जो मैंने भाई एक वीडियो ऐसी भी देखी थी कि एक भाई रो रहा था कि मैंने सऊदी अरेबिया की 2 लाख रुपए की टिकट खरीदी है जी, जो कि सऊदी अरब का वीज़ा ही हो गया या टिकट की जाए होगी। तो इसकी वजह भाई आप सब भाइयों को पता ये थी कि जेंट वगैरह पैसे कमा रहे थे, PIA और कुछ एयर ब्लू की फ़्लाइट्स वगैरह सऊदी अरब में आ रही थी। इसके अलावा और कोई भी सऊदी अरब से फ़्लाइट्स पाकिस्तान नहीं जा रही थी और ना पाकिस्तानियों को वहाँ से ला रही थी, जैसा कि पहले सऊदी एयरलाइन या फ्लाइनास वगैरह होती है। तो भाई सऊदी एयरलाइन जैसा कि आप सब भाइयों को पता है बंद थी, सऊदी एयरलाइन चल रही थी उन ममालक के लिए जिनमें भाई सऊदी वगैरह फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए जाती थी और यूरोप कंट्रीज वगैरह के लिए ये यूज़ कर रहे थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरलाइन ने ये ऐलान किया है जी कि हम वीकली 20 परवाजें चलाएंगे जी सऊदी एयरलाइन की, जिनमें ज़्यादातर तो यूरोप के कंट्रीज ही रखे गए हैं लेकिन दुबई का भी साथ में जिक्र किया गया है। और एक खुशी की जो बात यह है मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए कि पाकिस्तान को भी सऊदी एयरलाइन अभी जाएगी, यहाँ से भी पैसेंजर लेकर और वहां से भी मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरेबिया में आएगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। भाई अभी आज उम्रे का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है और तीसरा मरहला वो होगा जिसमें भाई दूसरे ममालिक से उम्रा जायरीन आ सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला भाई उम्रा जायरीन भी सऊदी एयरलाइन के थ्रू आ सकेंगे और आपको जैसा कि PIA की आप वेबसाइट चेक करेंगे आपको 60,000-80,000 ऐसे ही टिकट का रेट दिखाई देगा, लेकिन एजेंट वगैरह आपको महंगी दे देते। सऊदी एयरलाइन में ऐसा नहीं होगा, सऊदी एयरलाइन की आप वेबसाइट चेक करेंगे वहां पर टिकट अवेलेबल होगी तो आप खरीद सकेंगे और आपको भाई जो सऊदी एयरलाइन का रेट होगा वही होगा, उसके अलावा किसी एजेंट वगैरह से आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तो सऊदी एयरलाइन भाई पाकिस्तान के किन शहरों में जा रही है ये मैं अभी आपके साथ कंफर्म कर दूं। पाकिस्तान को जी सबसे पहला शहर पाकिस्तान का इस्लामाबाद रखा गया, इस्लामाबाद जहरी गल कैपिटल सिटी है जी, सऊदी एयरलाइन इस्लामाबाद जाएगी जी। उसके अलावा कराची भी सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स जाएंगी, 2 शहरों का फ़िलहाल जिक्र किया गया है। मैं आपको भाई जूम करके इन दोनों के नाम भी शायद दिखा चुका हूं अभी तक, इस्लामाबाद कराची। लाहौर का भी मैंने नाम कई जगह पर सुना है लेकिन यहां पर न्यूज़ में मैंने वो नहीं देखा है, लेकिन इस्लामाबाद कराची में सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट्स जाएंगी। मेरे पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब में आना चाहते हैं या यहाँ से जाना चाहते हैं भाई, आप बिल्कुल PIA वगैरह की महंगी टिकट अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो ठीक है, अगर महंगी है तो बद खरीदें, सऊदी एयरलाइन की खरीदें, ये आपको सस्ते में मिलेगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरलाइन पाकिस्तान भी जाएगी और वहाँ से पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में भी लाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, किसी और न्यूज़ के मुतल जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।